विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जनता की मनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में आज सफल हुई है। उनके समर्थन के प्रति आज उनका आकर्षण, अमित शाह जी का चुनावी रणनीति और नड्डा जी का जो चुनावी प्रबंधन है, अलग अलग प्रदेशों के जो क्षेत्रीय नेताओं का और उसका संगठन का आपसी तालमेल है और जनता का जो आशीर्वाद है वह चढ़कर बोला है, मोदी हैं तो मुमकिन है। वास्तव में आज मोदी जी एक नाम नहीं है, एक आंदोलन के रूप में काम कर रहे हैं। विकास जिस तेज गति से चल रहा है वो जनता के सर पर चढ़कर बोल रहा है। मध्य प्रदेश में जातियों के बंधन टूटे हैं और सबसे ज्यादा जो सीटों की विजय जहां पर हुई है, जहां पर अनुसूचित वर्ग, जहां पर पिछड़ा वर्ग और आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, ताज्जुब तो विपक्षियों के लिए यह है कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे उसमें भी अधिकांश सीटें बीजेपी जीती है। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का, जनजातियों का, राजस्थान के सभी जातियों का, मध्य प्रदेश की सभी जातियों का, लेकिन खास तौर से पिछड़ों का जो विश्वास है उभर कर आया है। लोगों को ये विश्वास हुआ है, गुर्जर है राजस्थान में तो उसको विश्वास हुआ कि मोदी उनके नेता हैं, जाट है तो उनको लगा मोदी है, अनुसूचित या पिछड़ा है या ठाकुर है या ब्राह्मण है या वैश्य है, कोई भी जात के लोग हैं, आज उनका एक ही उद्देश्य है, एक ही मनौती है कि मोदी जी का सशक्त नेतृत्व से भारत को विश्व विजयी भाव में लेकर आए। और मैं समझता हूं कि ये विजय अभियान जो मोदी विजय अभियान है, ये 2024 तक जब पहुंचेगी ये यात्रा, तो उस यात्रा में दो तिहाई से अधिक का बहुमत, आजादी के बाद सबसे ज्यादा बड़े बहुमत से जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। तीसरी बार मोदी जी शपथ लेंगे, ये इन चुनाव का स्पष्ट संदेश है। बहुत सोने ऐसा जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो बधाई का पात्र है। और जनता को सीधा लाभ जो केंद्र सरकार के द्वारा और जो मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जो बीजेपी की सरकार है उसके द्वारा पहुंचाया गया, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो केंद्र सरकार की नीतियों के नाम बदलकर योजनाएं चलाई गई और जो उनमें भ्रष्टाचार किया गया उसका दंड कांग्रेस को छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिला है, और पुरस्कार ईमानदारी के साथ काम करने का मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार को मिला है। एक बार पुनः इस विजय पर मैं यही कहूंगा कि ये जनता की मनौती आज पूरी हुई है, मोदी जी का सबल नेतृत्व आज और मजबूत हुआ है। सभी जनता जनार्दन का, जनता ही जगन्नाथ है, उसका बार बार सरसत नमन वंदन और एक प्रणम्य भाव से बीजेपी के